हेलो, सो मैं हूँ मोहम्मद तंजीम। दोस्तों, टेक महिंद्रा अगेन फिर से वॉइस और चैट ब्लेंडेड प्रोसेस पे अगेन से यहाँ पे हायरिंग करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों टोटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है ये काम, और यहाँ पे आप लोग को मैं डायरेक्ट एचआर का नंबर भी यहाँ पे देने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग एक नहीं यहाँ पे कम से कम 6-7 एचआर नंबर आप लोग को मैं यहाँ पे दूंगा, जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप पे आप लोग रहे रिज्यूम इन एचआर को यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये फुल टाइम परमानेंट वाला काम रहने वाला है, और मज़े की बात दोस्तों है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है वो मिनिमम हाई स्कूल पास है। मतलब अगर आप लोग 10th पास हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 12th पास, ग्रेजुएशन, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, लेडीज़ हो, कोई भी यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि ये सारा काम आप लोग को घर बैठे ही करना है। अब टेक महिंद्रा ने यहाँ पे कई सारी प्रोफाइल्स पे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली हुई है, और यहाँ पे किसी में 2000 ओपनिंग्स है, 1100 ओपनिंग्स है, यहाँ पे 200 ओपनिंग्स है। तो आप लोग को मैं सारी के सारे जॉब प्रोफाइल जो है मैं नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप सभी में जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कोई जो है सिंपल सिर्फ वॉइस प्रोसेस के लिए, या फिर मतलब टेलीफोन से आप लोग कॉल करके आप बात कर सकते हो। दूसरा जो है सिर्फ चैट के लिए है, जो चैट पे आप काम कर सकते हो वैसा है, और एक ब्लेंडेड है जिसमें आप लोग दोनों काम कर सकते हो। सारी की सारी प्रोफाइल मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो सैलरी है वो यहाँ पे फिक्स रहने वाली है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जो है एक सैलरी फिक्स रहेगी और उनका जो वेरिएबल है वो अलग रहता है। मतलब लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये आप लोग को पर महीना, हर मंथ आप लोग को यहाँ पे मिलेगा जो फिक्स है, और उसके अलावा जो भी यहाँ पे अलाउंस वगैरह रहता है वो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिना स्किप किए, और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को वॉइस प्रोसेस या फिर चैट बेस्ड दोनों में से कौन सा जॉब आप लोग को अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर थे तो मेक श्योर नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे डेली जॉब अपडेट्स मैं आप लोग लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ अन अकेडमी लेके आया हुआ है। अन अकेडमी यहाँ पे 30 अप्रैल सैटरडे को लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेके आया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो स्पेशल क्लास है दोस्तों, वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बिल्कुल हॉट टॉपिक रहने वाला है। ये अप्रैल 30th को होगा, 2 PM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और इसका ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट्स है, और आप लोग इसको एनरोल कर सकते हो, जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए भी अकेडमी ने बहुत ही अच्छी लाइव स्पेशल क्लास यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही हॉट है, वो है इंडस्ट्रियल IoT प्रोटोकॉल MQTT। यहाँ पर दोस्तों ये वर्थ 2000 का है ये स्पेशल क्लास, लेकिन आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 30th अप्रैल को सैटरडे को होने वाला है, 2 PM ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और इसका ड्यूरेशन सिर्फ 4 घंटा है। आप लोग इसको एनरोल कर लो जल्दी से, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी जो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे स्पेशल कोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि आप लोग को जॉब रेडी बनाता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को कई सारे कोर्सेस हैं जो कि 50 आवर्स से भी ज़्यादा है। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, NXCAD या फिर VLSI जैसे हॉट टॉपिक्स यहाँ पे इनके कोर्सेस में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन कोर्सेज भी यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करा रखा है अनबिलीवेबल प्राइसेस पे, और यहाँ पे आप लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इंडिविजुअल कोर्सेस ले सकते हो, और ऑल इन वन भी कोर्सेस ले सकते हो। यहाँ पे मज़े की बात दोस्तों है कि यहाँ पे आप लोग को पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी अगर आप मास्टर कोर्स लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है 30th अप्रैल को, उसको जरूर से जरूर अटेंड करना, उसको मिस मत करना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाके उसको क्लिक करके एनरोल करो। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक महिंद्रा जो है वॉइस प्रोसेस के लिए भी यहाँ पे निकाला है, और चैट ब्लेंडेड के लिए भी यहाँ पे निकाला है। तो मैं वॉइस प्रोसेस का अभी आप लोगों को मैं ये प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे 10th हाई स्कूल पास है, और उसके अलावा 2000 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। रिसेंटली यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, बिल्कुल ये रिमोट है, घर से बैठ के आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेजिग्नेशन की बात करें दोस्तों, कि यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का ही काम रहने वाला है। जैसा मैं पहले भी आप लोग को बता रखा हूँ कि यहाँ पे टेक महिंद्रा किसी बड़ी जो है क्लाइंट के लिए यहाँ पे काम करेगी, ई कॉमर्स अगर इन्होंने लिखा है, हालांकि इन्होंने नेम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो है प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट के लिए ही यहाँ पे जो है काम रहेगा। तो आप लोग को फ्लिपकार्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह रहते हैं उसमें आप लोग को वहाँ पे काम करना रहेगा, पेरोल आपका टेक महिंद्रा का रहेगा। तो ये टोटल आप लोग का काम यहाँ पे रहने वाला है। जॉब प्रोफाइल मैंने आप लोग को बता दी कि यहाँ पे जो वॉइस के कॉल के थ्रू ही कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग को फिक्स करना होता है। किसी का ट्रांजेक्शन रह गया, किसी का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, किसी का कुछ जो भी समस्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ बतानी रहती हैं, और इन सब की फुल ट्रेनिंग आप लोग को टेक महिंद्रा स्टार्टिंग में दे देता है। अब यहाँ पे जो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मिनिमम हाई स्कूल पास आप लोग का होना चाहिए, 12th हो या फिर ग्रेजुएट फ्रेशर, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक्सेलेंट आपका वर्बल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग को इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, आप लोग को जैसे कन्विंस कर सकते हो बात करके वैसे इंग्लिश आप लोग को आनी चाहिए, प्लस आप लोग को हिंदी भी यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि लोकल कस्टमर्स और लोकल क्लाइंट से आप लोग को बात करना रहेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा। उसके अलावा दोस्तों आप लोग के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है होना चाहिए, जिसमें आप लोग का विंडोज 10 और ये जो कुछ यहाँ स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। ब्रॉडबैंड और वाईफाई भी यहाँ पर हाई स्पीड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू जो है फ्लिपकार्ट के लिए आपने लास्ट 3 मंथ्स अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर काम हो रहा है तो टेक महिंद्रा के पेरोल पर, तो फ्लिपकार्ट में अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स में अगर दिया भी होगा तो आप दूसरी ईमेल आईडी से यहाँ पर अप्लाई करिएगा, इस चीज़ का ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर आप लोग को 24/7 शिफ्ट में आप लोग यहाँ पर काम करना रहेगा जो रोटेशनल होता है, तो जिसको आप लोग कभी नाइट शिफ्ट में हो सकता है, कभी मॉर्निंग में, कभी दोपहर में, तो आप लोग उनको अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपना कंसर्न रख के उस शिफ्ट को पकड़ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई अपकमिंग लीव्स जो नहीं आप लोग को लेनी है, जो अगले 3 मंथ्स हैं ज्वाइनिंग के बाद उसमें आप लोग को लीव्स नहीं लेना है, अल्टीनलेस बहुत जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई तो वो एक अलग रेयर इशू है, लेकिन वैसे आप लोग की कोई लीव नहीं लेनी है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कि 9 घंटे का यहाँ पे काम रहेगा, जिसमें आप लोग 8 आवर्स वर्क कर सकते हो, 1 घंटे का आप लोग ब्रेकअप ले सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जब आप एक बार सेलेक्ट वहाँ पे हो जाते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे कि इमीडिएट ज्वाइनिंग यहाँ पे है, उन लोगों को ये जल्दी प्रेफर करेंगे जो तुरंत यहाँ पे कल ही ज्वाइन कर लें, वैसे आप लोग को वहाँ पे रेडी रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे आप लोग की अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है 90% एक्यूरेसी के साथ 25 वर्ड्स पर मिनट भी आपकी होना चाहिए, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके उसको एक बार चेक कर लेना कि आपका अराउंड 25 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे ज़रूर रहता है। अब इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे HR राउंड, OPS राउंड और क्लाइंट राउंड इंटरव्यू, 3 राउंड यहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगा, इंटरव्यूअर जो है HR आपसे डायरेक्ट जो है कॉल करके आपकी कम्युनिकेशन वगैरह चेक कर लेगा, और उसके बाद OPS राउंड का जिसमें आप लोग को कस्टमर रिलेटेड जो सिनेरियोज होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं कि कस्टमर के इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, ईमेल को कैसे लिखोगे, ये सारी प्रॉब्लम आप लोग को पूछेगा। अगर आप लोग को वो चीज़ डिटेल में चाहिए कि वो उस OPS राउंड में क्या पूछते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो भी उसके लिए बता दूंगा। दोस्तों लास्ट वाला जो क्लाइंट राउंड इंटरव्यू है उसमें आप लोग का जो है क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है, जैसे कोई क्लाइंट है फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है तो उसके क्लाइंट से इंटरेक्शन होगा और उसके जो भी प्रोसेस है उसको आप लोग को समझना होता है और उसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। लास्ट में HR का जो राउंड होता है उसमें आप लोग का जो है पे स्केल वगैरह डिसाइड हो जाता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सैलरी जो फ्रेशर्स के लिए है वो 1.72 LPA 12.7K पर मंथ यहाँ पर मिलेगा, और मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस के लिए जो है वो उसके लिए 2 LPA यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो 6 डेज है जो स्टार्टिंग के जो 6 दिन है उसमें आप लोग को स्टिपेंड मिलेगा यहाँ पर 300 रुपये पर डे, और 7 डे के बाद आप लोग जो है ट्रेनिंग आप लोग की स्टार्ट हो जाती है। 100% फिक्स सैलरी है दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, जो एजुकेशन के जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर ये मांगेंगे तो उनको रेडी रखना है। आधार कार्ड इसमें रहना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहे, और पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास भी होना चाहिए अगर आप लोगों ने पहले कहीं काम किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि आप लोग को मैंने जो यहाँ पर लिंक दिया जो भी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में, उन सभी प्रोफाइल पर आपको जाकर क्लिक करना है, और नीचे जो अप्लाई बटन है उसको क्लिक करके वहाँ पर अप्लाई करना है। अब दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अप्लाई करने के बाद मुझे मेरा तो अप्लाई नहीं हुआ, तो ये दोस्तों naukri.com की वेबसाइट है, जो आप अप्लाई करोगे तो आपसे लॉगिन करने को मांगेगा। अगर आपके पास अपने अकाउंट नहीं बना रखा है नौकरी पे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, आपका अपना अकाउंट बनाना होगा, उसमें अपनी जो है रिज्यूम अटैच करना होता है, ठीक है, प्रोफाइल में। वो होने के बाद ही आप इस अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लॉगिन मांगता है, लॉगिन हो जाएंगे और डायरेक्टली वहाँ पर लिख देगा एप्लीकेशन हैज बीन सेंट। ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। दूसरा प्रोसेस जो दोस्तों ये है कि आपको मैंने जो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो कि HR का ईमेल ID प्लस यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया है, आपको सबसे पहले WhatsApp यहाँ पे इस जो है फ़ोन नंबर पे जाके वहाँ पे कर देना है अपना रिज्यूम, और दूसरा जो है ईमेल आईडी है उस पर भी अपना रिज्यूम अटैच करके भेज देना होता है। अगर आपका एंड ऑफ द डे कॉल आंसर नहीं आता तो आप लोग को यहाँ पे कॉल करके इनसे पूछ लेना होता है अपना स्टेटस। इसी तरीके से दोस्तों चैट ब्लेंडेड प्रोसेस के लिए भी मैंने यहाँ पे नीचे प्रोफाइल दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप लोग इसी तरीके से सेम अप्लाई कर लें। दोस्तों सारी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है, जल्दी से जाके मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग को वॉइस प्रोसेस पसंद है या फिर चैट ब्लेंडेड प्रोसेस वाला आप लोग को जॉब पसंद है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आपको पहली बार उस चैनल पर तो मेक श्योर नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जॉब अपडेट्स मैं आप लोग के लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।